नमस्कार दोस्तों, एक वीडियो लेकर के फिर से हाजिर हुए हैं। और ये हमारी LG की 21 इंच की टीवी है, CRT टीवी है, जिसमें इस तरह का फॉल्ट आ रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले रिट्रेस लाइन आता है और फिर इस तरह से इस पर आने लगता है, और एक बीच में वर्टिकल लाइन भी आ जाती है और उसके बाद कई लाइनें भी आ जाती हैं। तो इस फॉल्ट को आज हम रिपेयर करना सीखेंगे, और ये इस तरह का फॉल्ट किस सेक्शन में आता है हम उसको भी बताएंगे, और ये कौन सा कंपोनेंट ख़राब हो जाता है जिसके कारण से इस तरह के फॉल्ट आते हैं। तो ये LG की हमारी टीवी है, जो कि फ्लैट है और 21 इंच की टीवी है। तो इसको जब हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले रिट्रेस लाइन इसमें आती है, और रिट्रेस लाइन आने के बाद इस तरह से हमारे रास्टर पर डिस्प्ले पर आता है, जो कि ये फॉल्ट हमारा बड़ी वाली IC से संबंधित हो जाता है। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। देखिए, पहले हम इसको ऑन किए तो इसमें केवल रिट्रेस लाइन आ रहा है, और उसके बाद देखिए वर्टिकल लाइन एक खड़ी आ जाती है हॉरिजॉन्टली, जो कि सीधी सीधी है। तो हमने टीवी को खोल लिया है, और अब इस फॉल्ट को, ये किस सेक्शन का फॉल्ट है, इसको कैसे चेक करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मीटर की मदद से, जो पहले टीवी को ऑन करने के बाद ये रिट्रेस लाइन आती है, सबसे पहले रिट्रेस लाइन क्यों आती है, ये जो 180 वोल्ट ESD से हमारा जाता है कलर सेक्शन के लिए, वो 180 वोल्ट नहीं बनने के कारण से हमारा रिट्रेस लाइन आती है। तो जिसके लिए हम सबसे पहले रिट्रेस लाइन वाली सप्लाई को चेक करेंगे कि हमारी रिट्रेस लाइन आ रही है, वो किस कारण से आ रही है, हमारी वहाँ सप्लाई बन रही है कि नहीं बन रही है। देखिए, हमने टीवी को ऑन कर दिया है, अब इसमें हमने टीवी को ऑन किया हुआ है, और सबसे पहले हम उससे सप्लाई चेक करेंगे कि हमारी 180 वोल्ट सप्लाई आ रही है कि नहीं। इसलिए कि अब इसमें दो तीन तरह के फॉल्ट दिखाई देते हैं, जैसे पहले रिट्रेस लाइन आती है और फिर उसके बाद इसमें एक अलग तरीके से हमारे स्क्रीन पर रास्टर बन जाता है। देखिए, इसमें एक वर्टिकली लाइन आ गई है सीधी सीधी, और इसके बाद ये जिस तरह से लीनियरिटी फॉल्ट हो जाता है या ESD शॉर्ट हो जाती है, इस तरह के फॉल्ट इस पर आते हैं। तो इस तरह के फॉल्ट इसमें नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सप्लाई को चेक करना है कि हमारी जो ESD से 180 वोल्ट की सप्लाई आती है, और जो बेस वाली सर्किट होती है इसमें दी जाती है, तो पहले सबसे पहले उसको चेक करेंगे, क्योंकि ये रिट्रेस लाइन जो आ रही है, पहले उसको देखते हैं कि हमारी सही है या नहीं, उसके बाद ही दूसरा फॉल्ट चेक करेंगे। तो अभी यहाँ हमारा 110 वोल्ट जो 110 की सप्लाई है, 110 वोल्ट 108 वोल्ट बराबर आ रहा है, और यही सप्लाई हमारी ESD को जाती है यहाँ पे। और जब हमारा सेट ऑन होता है तो इसी ESD के माध्यम से 180 वोल्ट की सप्लाई बूस्ट वोल्ट निकलता है, जो कि नहीं आ रहा है, और इसमें 5 वोल्ट दिखा रहा है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ 180 से 200 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, जो कि यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे, पहले इस फॉल्ट को दूर करेंगे। देखिए, टीवी हमारा सेट ऑन है, और ये रिट्रेस लाइन इसी की वजह से आती है, जब हमारा 180 वोल्ट, ये जो बूस्ट वोल्ट है, ये बूस्ट वोल्ट जब नहीं बनता है, तो ये सब इस तरह के फॉल्ट देखने को मिलते हैं। और अब यहाँ 5 वोल्ट 6 वोल्ट आ रहा है, तो ये हमारे बूस्ट वोल्ट सप्लाई नहीं तैयार हो रही है। तो इसके लिए मीटर को AC के रेंज में रख करके यहाँ चेक करेंगे। एक डायोड लगा हुआ है, और डायोड के पीछे साइड में हमें AC वोल्ट आना चाहिए, जो कि 3 या 4 वोल्ट दिखा रहा है, जिसके कारण से उधर भी हमें 5 वोल्ट मिल रहा है। और इस रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ, जो एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वैल्यू 1 या 2 ओम होती है, जहाँ पर हमें 100 वोल्ट के आसपास AC सप्लाई मिल रही है। तो या तो ये हमारा रेजिस्टेंस ख़राब हो सकता है, या तो ये डायोड शॉर्ट होगा, जिसके कारण से हमारी सप्लाई
नहीं आ रही है, तो हम इस रेजिस्टेंस को निकालेंगे और निकालने के बाद चेक करेंगे ये ख़राब है या सही है। तो ये देखिए, इसमें जो तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं छोटे छोटे, जिसमें से ये पहला वाला रेजिस्टेंस जो है, यही हमारा 180 वोल्ट की सप्लाई पास करता है ये। तो हम इस रेजिस्टेंस को निकालेंगे और निकालने के बाद इसको चेक करते हैं ये सही है या ख़राब है। तो रेजिस्टेंस को हमने निकाल लिया है और इसको चेक करते हैं ये सही है या ख़राब है। तो ये हीट हो चुका है और इसमें कलर कोड जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है ये इस तरह से नहीं पता चलेगी। और ये जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि ये एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू 1 ओम या 2 ओम या 3 ओम होती है। तो इसकी जगह पर यदि कुछ भी ना लगाएं, एक जंपर मार दें तो भी चलेगा। तो देखिए हम इसको चेक कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है। इससे ये पता चलता है कि हमारा रेजिस्टेंस ख़राब है, ये ओपन हो चुका है जो कि सप्लाई पास नहीं कर रहा है। तो ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। तो अब ये जब सप्लाई पास नहीं कर रहा है तो जिसके कारण से हमारी 180 वोल्ट सप्लाई नहीं बन रही है, इसमें हम दूसरा नया 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे और हम आपको चेक करके भी दिखाते हैं कि उसकी वैल्यू मल्टीमीटर पर कितनी बताती है। ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये 1 ओम का है। इसको चेक करने पर यहाँ 1 ओम, 1.5 ओम दिखा रहा है, 4 ओम, जो कि ये थोड़ा सा कम ज़्यादा 5%, 10% कम ज़्यादा, जिसकी वैल्यू मीटर में आती है। रेजिस्टेंस को हमने लगा लिया है और अब हम इसमें सप्लाई दे करके सप्लाई चेक करते हैं ये हमारी सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। अब हमने सेट को ऑन कर लिया है और ये हमारा पॉइंट 180 वोल्ट का है। देखिए हमारे 200 के आसपास सप्लाई हमारी आ गई है। तो अब ये 200 के आसपास सप्लाई आ जाने के कारण से जो हमारी कलर आउटपुट सेक्शन की सर्किट होती है ये पूरी तरीके से काम करने लगती है और जिसके कारण से स्क्रीन हमारी बराबर पूरी तरीके से दिखाई देती है। कलर मिक्सिंग का काम यही इसी सर्किट से होता है। इस सर्किट को वर्क करने के लिए 180 वोल्ट की आवश्यकता होती है और ये देखिए पूरी तरह से टीवी हमारी ऑन हो चुकी है और हमारा फॉल्ट पूरी तरीके से दूर हो चुका है।